भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किए गए कुछ ऐसे आविष्कार जिनकी सच्चाई जानने के बाद उन पर विश्वास करना असंभव है। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। दोस्तों, विश्वकर्मा के बारे में हर कोई नहीं जानता, इसीलिए इनके बारे में हम बताएं तो इन्हें हम आज के समय में वेपन डिजाइनर कहेंगे, मतलब देवताओं के वेपन डिजाइनर, यानी कि अस्त्र शस्त्र के विज्ञाता। विश्वकर्मा ने कई सारी ऐसी वस्तुएं बनाई हैं जिनका इस्तेमाल देवता करते हैं। साथ ही साथ विश्वकर्मा ने कई सारे ऐसे महल भी बनाए हैं जिनके बारे में हमें पुराणों में जानने को मिलता है। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि इन्होंने कई ऐसे हथियार बनाए हैं जिनका तोड़ किसी के पास नहीं है, इसीलिए आज हम बात करेंगे विश्वकर्मा की और उनसे जुड़े कुछ रहस्यों की जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाओगे। दोस्तों, हम सभी विश्वकर्मा के बारे में सुनते तो रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम में ऐसे कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो विश्वकर्मा के बारे में जानते हैं, और शायद ही कोई ये जानता हो कि उन्हें देव शिल्पी क्यों कहा जाता है। तो चलिए आज हम इस बात को भी जानते हैं। भगवान विश्वकर्मा की माँ का नाम भगुना और पिता का नाम प्रवास था। विश्वकर्मा की माँ एक ब्रह्म ज्ञानी थी। कहीं कहीं पुराणों में हमें ये भी जानने को मिलता है कि विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, इसीलिए इन्हें देव शिल्पी कहा गया। विश्वकर्मा को सभी रचनाकार और शिल्पकारों का इष्ट देवता भी माना जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने ही ब्रह्मांड का निर्माण किया है। ब्रह्मांड का तो पता नहीं, लेकिन विश्वकर्मा के द्वारा किए गए ऐसे अद्भुत आविष्कार जिन पर विश्वास करना असंभव है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं के पुकारने पर विश्वकर्मा ने उनके लिए एक ऐसा हथियार बनाया था जो सर्वशक्तिमान और अजय था। बात तब की है जब सभी देवता असुरों से परेशान हो चुके थे। जब असुरों के वध के लिए सभी हथियार विफल हो चुके थे, तो इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं ने देव शिल्पी विश्वकर्मा से गुहार लगाई। सभी देवताओं की पुकार सुनकर भयंकर असुरों का नाश करने के लिए विश्वकर्मा ने महर्षि दधीची की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया था। ये वज्र इतना खतरनाक था कि इसने सभी असुरों का नाश कर दिया था, जिसके बाद से विश्वकर्मा को सभी देवताओं में सबसे उत्तम देवता का दर्जा दिया गया। इसके अलावा विश्वकर्मा ने धरती पर कई सारी संरचनाएं की। यदि हम इन संरचनाओं की बात करें तो रावण की लंका जो विश्वकर्मा ने ही बनाई थी, वहीं महाभारत में कृष्ण की नगरी द्वारका, पांडवों का महल इंद्रप्रस्थ और कौरवों का महल हस्तिनापुर भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था। वहीं आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जो भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति है, उसका निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। यदि हम हथियारों की बात करें तो सबसे मुख्य हथियार जैसे कि भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और यमराज का कालदंड विश्वकर्मा ने ही बनाया था। वहीं जब हम महाभारत की बात करते हैं तो कर्ण के कवच और कुंडल जो अत्यंत शक्तिशाली थे, उनका निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। और रामायण में जो रावण पर पुष्पक विमान था, वह भी विश्वकर्मा की ही कलाकारी थी। रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था, तब 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो वह इसी पुष्पक विमान में बैठकर आए थे। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार हमें ये भी जानने को मिलता है कि एक बार माता पार्वती भगवान शंकर के साथ वैकुंठ लोक गए थे। जब माता पार्वती ने वैकुंठ लोक की सुंदरता को देखा तो उनका मन वहीं की सुंदरता में मग्न हो गया। इसके बाद जब माता पार्वती कैलाश लौटकर आईं, तो उन्होंने भगवान शंकर से एक सुंदर महल बनाने की इच्छा रखी थी। माता पार्वती की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को एक सुंदर महल बनाने का आदेश दिया था। भगवान शंकर के आदेश पर विश्वकर्मा ने इस दुनिया के सबसे सुंदर नगरी का निर्माण किया, जिसे स्वर्ण की नगरी लंका कहा गया। वहीं दूसरी कथा के अनुसार हमें ये जानने को मिलता है कि स्वर्ण की लंका पर रावण की नियत खराब हो गई थी, इसीलिए रावण ने एक गरीब ब्राह्मण का भेष रखकर शंकर जी से उनकी लंका को ही मांग लिया था। शंकर जी रावण को पहचान चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उसे खाली हाथ नहीं लौटने दिया और उसे स्वर्ण की लंका दान दे दी। रावण के इस छल से माता पार्वती बहुत दुखी हुई, इसीलिए उन्होंने रावण को श्राप दे दिया था कि जिस लंका को तुम उसे छल कर ले जा रहा है, ये लंका आग में जलकर भस्म हो जाएगी। जिसके बाद रामायण काल में हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। महाभारत के अनुसार तर्काक्ष, मरकाक्ष और विद्युत माली जैसे भयंकर असुरों को मारने के लिए
भगवान शंकर जिस सोने के रथ पर सवार हुए थे उस सोने के रथ को विश्वकर्मा ने ही बनाया था। ये सोने का रथ बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय था। इस रथ के एक पहिए में सूर्य और दूसरे पहिए में चंद्र विराजमान थे। रामायण काल में आपने नल और नील नामक इन दो बानरों का नाम जरूर सुना होगा। ये वो बानर थे जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका तक राम सेतु का निर्माण किया था। ये दो बानर भी विश्वकर्मा के ही पुत्र थे। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पकार, वास्तुशास्त्र के देवता, मशीनों के देवता और कई नामों से पुकारा जाता है। वहीं विष्णु पुराण में विश्वकर्मा को देव बड़ाई के नाम से जाना गया है। साथ ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा कल्याणकारी है, इसीलिए हमें विज्ञान और तकनीक के जनक भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भगवान विश्वकर्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।